अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। सो गाइस, ये फ्राइडे का व्लॉग है, मॉर्निंग से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और आज जो है पुप्पो लाहौर गई हैं, उनकी 10 बजे की बस थी, तो वो गई हैं लाहौर हैदर के पास, जो मेरा देवर है उसके पास रहने। उसने घर लिया है तो उसकी थोड़ी सेटिंग वगैरह करने वहाँ गई हैं। तो आज जल्दी उठ के थे, नूर को भी मैं लेकर नीचे ही आ गई थी, और फिर उसके बाद मैं नूर के कपड़े शपड़े लेने आई हूँ। नाश्ता पहले कर चुके हैं, नाश्ता करते करते वैसे 11 ही बज गए थे। उसके बाद जी मैंने आके नूर को यहाँ पे कपड़े वगैरह प्रेस कर रही हूँ, फिर उसको नहलाया। अच्छा जनाब, तो आज काफ़ी दिनों के बाद आप लोग मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं। बीच में कुछ था नहीं इस तरह से व्लॉग करने वाला, तो मुझे समझ नहीं आया, मैंने कोई व्लॉग वगैरह नहीं बनाया, सिंपल सी रूटीन थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करूँ। दिखाओ फोटो बन गई मामा। अच्छा जनाब, अभी मैं जोहर की नमाज पढ़ने लगी। नूर जो है फोन लेकर बैठी है और जुहान यहाँ पे सो रहा है। आज जो है निदा जो मेरी ननंद है वो अपने ससुराल जा रही है, क्योंकि इसी मंथ में अगस्त के अंदर ही वो उनकी फ़्लाइट होगी, वो अपने हस्बैंड के पास जाएंगी सऊदीया। तो इसलिए बस वो अभी अपने ससुराल जा रही है अपनी पैकिंग वगैरह करने। और यहाँ पे जी फिर दोपहर का टाइम था, मैं नूर को दूध पिला रही थी, क्योंकि ये ऐसे ही दूध पीती है। मैंने आप लोगों को बहुत दफ़ा वीडियोज़ में पहले बताया कि ये अपने हाथ से दूध नहीं पीती, इसको इस तरह पिलाना पड़ता है। के जनाब दोपहर का टाइम था, फिर अली नूर को मैंने नीचे सुलाया था और अली भी फिर ऑफिस से आ गए थे। और फिर मैंने खाना खाया, हाफ रोटी मैंने खाई थी, मुझे भूख लग रही थी। अली ने नहीं खाया था अभी, कहते मैंने अभी नहीं खाना। बता, प्लेन में जाना है पप्पो के साथ, लेके जाना है आपी को। मनु आपने जाना है जुहान के साथ? जुहान के साथ जाना है? क्या लगा हुआ मुंह में? ओके गाइस, तो अभी जो है ना मैं 6:15 का तकरीबन टाइम हो रहा है, और मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो उनका वीज़ा लगा है, उन्होंने जाना है सऊदी अपने हस्बैंड के पास। तो अभी वो अपने ससुराल चली गई हैं, अभी पापा गए उनको छोड़ने। और मुझे आज कुछ मेरे पार्सल रिसीव हुए थे, वो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो उसकी जी एक की मैंने अनबॉक्सिंग कर ली थी, खोल लिया था, और एक रहता है वो आप लोगों के सामने खोलती हूँ। एक कल खोला था, वो भी आप लोगों को दिखाऊँगी। वो चीज़ें मेरी ऊपर पड़ी हैं, फिर ऊपर जा कर आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा जी ये देखें, ये मैं पहले इसको खोला था, लेकिन वो उसका पैकेट जो है मैं नूर ने कहीं फेंक दिया। तो ये मैंने एल्फ की सीसी क्रीम मंगवाई है, ये देखें, और ये मुझे अराउंड 5000 के तक पड़ी है। एक पेज है इंस्टाग्राम का, मुझे वो उसके ऊपर लिखा हुआ था, मुझे वैसे याद नहीं है, उधर से मैं आप लोगों को अगर मुझे मिला तो मैं मैंशन कर दूँगी। और ये देखें जी, इसको निकाल के शेयर चेक कर लेते हैं। मैंने जी एफ जो है एफ 120 फेयर 120 एन शेड मंगवाया, और ठीक है मेरी स्किन के हिसाब से इसको एडजस्ट हो जाता है, लगा के जब फेस पर लगाऊंगी तो अच्छे से समय लग जाएगी। ये देखें, और इसका फॉर्मूला तो बहुत अच्छा सा लग रहा है, सिर्फ फेस पर यूज़ करूंगी, फिर आप लोगों को बताऊंगी और इसका रिव्यू शेयर करूंगी।
अच्छा गाइस अपना दूसरा पार्सल खोलते हैं। ये मैंने मंगवाया फूड कैरियर से और इसको हम ओपन करते हैं। ये मुझे 4000 का मिला है, 4000 की सारी चीज़ें आई थी। इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हैं अच्छी है, काफ़ी सेफ पैकेजिंग है इसकी। मुझे इस तरह करके पार्सल ओपन करने का बहुत मज़ा आता है। ओके गाइस, तो सबसे पहले ये देखें जी, एक ये मैंने पैलेट मंगवाई है, वंडर पैलेट, 12 कलर आई शेडो है इसमें। इसको ओपन करते हैं और ये देखें जी, इसकी पैकेजिंग आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है, बहुत हाई एंड ब्रांड जिस तरह की पैकेजिंग है इनकी। ये देखें जी, इसके कितने प्यारे शेड्स हैं। ये मैंने इसीलिए मंगवाई है कि डेली वेयर, मतलब डेली वेयर इस सेंस के जैसे कहीं ट्रैवल करते हैं तो इसमें हर कलर आ जाता है, ट्रांजिशन शेड आ जाते हैं, गोल्डन, सिल्वर, पिंक शिमर, ये ब्लू शिमर, सिल्वर शिमर, हर शेड इसमें आ जाता है, ट्रांजिशन शेड आ जाते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त, हम लोग कहीं ट्रैवल करते हैं तो ये हमारे साथ होनी चाहिए इतनी ज़्यादा, क्योंकि कहीं ट्रैवल करते हैं, कहीं आना जाना, शादी वगैरह के अलावा इतने हैवी आई मेकअप हमें चाहिए नहीं होता, तो ये डेली वेयर में, कैजुअल वेयर में ये बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त। और मुझे इनकी पैकिंग भी बहुत अच्छी लगी। और उसके अलावा मंगवाई है मैंने एक जी कंट्रोल स्टिक इन द शेड 03। ये इसका ऊपर लिड है और ये देखें जी, बहुत बटरी सा है, बहुत अच्छे से अप्लाई हो गई है। गाइज, उसके बाद एक मैंने ये मंगवाया है मेकअप फिक्सर। इसकी मुझे बॉटल जो है बहुत क्यूट और प्यारी सी लग रही थी, तो फिर मैंने, मुझसे रहा नहीं गया। बेशक इतने महंगे प्रोडक्ट्स ना भी हों, मुझे इनकी पैकिंग इतनी अच्छी लगती है, क्यूट क्यूट सी पैकेजिंग होती है इनकी, कोई बॉटल्स इतनी ज़बरदस्त होती हैं, मेरा दिल करता है बस मैं ले लूँ। और ये देखें, ये देखें जी कितने मज़े की बोतल है इसकी, और ये है प्लास्टिक में है, ऐसा लग रहा है जैसे ग्लास बोतल है। और ये इसकी स्प्रे, और इसमें हमें 100 ml स्प्रे मिल रहा है। इसकी बोतल बहुत क्यूट लग रही थी मुझे। और उसके अलावा मैंने मंगवाए हैं ये दो ब्यूटी ब्लेंडर, ये देखें जी, और बहुत सॉफ्ट है, मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखें, एक मैंने ये वाली शेप मंगवाई है, ये देखें बहुत बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। गाइस ये वाला है, ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, इसकी नस्बत ये वाला थोड़ा सा कम है, लेकिन जब हम इसे वेट करेंगे
तो ये काफ़ी ना साइज़ में बड़ा हो जाएगा और मतलब काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा। तो जी ये मैंने चीज़ें मंगवाई हैं, मुझे बड़ी अच्छी लगी हैं, मैं यूज़ करके फिर आप लोगों के साथ रिव्यू दूंगी। और वैसे मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, मैंने फोकैलियर के प्रोडक्ट्स पहले भी यूज़ किए हैं, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। और इसके अलावा जो मेरा पैकेज पहले कल आया हुआ है वो भी मैं ऊपर जाऊँगी थोड़ी देर में, तो मैं आप लोगों को भी चीज़ें दिखाऊँगी मैंने क्या मंगवाई थी। ओके गाइस, तो अभी मगरिब हो चुकी है और मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। अली भी मस्जिद जा चुके हैं, मैं भी वज़ू करके आई हूँ। नूर जो है वो फ़ोन यूज़ कर रही है, उसको बहुत बुरी आदत डाल दी हुई है इसके बाबा ने। और मैं बस अभी नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर खाने शाने के देखते हैं। अबू को 8 बजे चाय वगैरह देनी है, तो बस जी जल्दी से नमाज़ पढ़ते हैं। अली भी नमाज़ पढ़ के, फिर इफ्रा ने मैक्रोनी बनाई है, वो कह रही थी ले जाना, तो वो लेकर आएंगे। और तब तक फिर हम लोग बैठेंगे। ओके गाइस, 8 बज चुके थे, तो अब्बू को चाय वगैरह देने का टाइम हो गया था। और अब्बू का सबसे पहले गोली देनी होती है खाने से पहले। मैं अब्बू यहाँ पे सो रहे थे, नूर फिर फ़ोन लेके बैठी हुई थी क्योंकि बहुत ज़िद कर रही थी। यहाँ पे जी अब्बू के लिए चाय रेडी हो रही है और साथ में वो 2 स्लाइस लेते हैं बस, वो उनको दे के उसके बाद फिर अब्बू अपने रूम में चले गए थे। हम लोग नीचे ही थे पप्पू वाले रूम में, क्योंकि घर अब कोई नहीं, पापा अब्बू और मैं अली और नूर ही होते हैं। दे दो मम्मी, नहीं दो। फिर आओ टक्कर मारे, टक्कर 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 टक्कर। मेरे लिए क्या लाए हैं? वेरी फनी। अच्छा जी, मैं फिर रात को ऊपर आई थी अपने नाइट सूट वगैरह लेने, और अभी मैंने आप लोगों को जो चीज़ें दिखानी थी मैंने सोचा वो भी साथ दिखा देती हूँ। और ये देखें जी, O2O के मैंने प्रोडक्ट्स मंगवाए थे, बहुत ज़बरदस्त, मेरा आजकल का फेवरेट ब्रांड है ये। मैंने इनके पहले भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं और इनकी पैकेजिंग इतनी ज़्यादा आउट क्लास, हाई एंड ब्रांड वाले जो मेकअप होते हैं ना उससे भी ज़्यादा अच्छी पैकिंग है इनकी। मुझे इनकी ना इनकी बॉटल्स जो इतनी क्यूट पैकिंग होती है मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और ये कॉम्पैक्ट देखें जी, बहुत ज़बरदस्त है। इसकी मैंने हल्का से इसको चेक किया है, बहुत अच्छा है, मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और ये शेड भी मेरी स्किन के साथ बिल्कुल अच्छा है। उसके बाद जी ये है कंसीलर, इसकी भी पैकिंग इतनी अच्छी है, इतनी क्यूट सी इसकी ट्यूब सी है, मतलब जो जिस तरह की बॉटल में कंसीलर होते हैं, बहुत ज़बरदस्त है। और इसका शेड भी मेरी स्किन के साथ बहुत अच्छा जा रहा था, मैंने अंदाजे से ही मंगवाया क्योंकि ऑनलाइन बाय करते हुए शेड हमें समझ नहीं आता एग्जैक्ट के क्या लेना, लेकिन बहुत अच्छे शेड आ गए। और इनकी जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है, मैं पहले जो प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं बहुत ज़बरदस्त हैं। उसके बाद जी ये ब्लश ऑन इनका नार्स के ब्लश ऑन की तरह का, जैसे नार्स का लिक्विड ब्लश होता है ये, उसकी सेम उसी टेक्सचर में है, वो मैंने एक दफ़ा पहले यूज़ कर चुकी हूँ। और ये देखें जी, इसके अंदर गोल्डन शिमर है और इसकी बॉटल भी आप देख सकते हैं कि कितनी क्यूट और प्यारी। अच्छा गाइस, उसके बाद मैंने 2 मंगवाए थे इनके, ग्लॉस वेलवेट मैट और ये इनका शेड है, एक ये न्यूड शेड में मैंने मंगवाया था, बहुत अच्छा है। इसका एप्लीकेटर बहुत अच्छा है, इसका फार्मूला इतना क्रीमी और इतना सॉफ्ट और स्मूथ फार्मूला है, बहुत ज़बरदस्त, मेरी तरफ से रेकमेंड है आप इनके प्रोडक्ट्स ज़रूर यूज़ करें। अभी बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंने जो है इनके मंगवाए नहीं हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं आहिस्ता आहिस्ता मंगवाऊँगी। काफ़ी सारी चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ, पहले कर चुकी हूँ, जो रह गई हैं वो भी इंशाल्लाह मंगवाऊँगी। और ये इनका एक मैरून और रेडिश सा शेड था, मैंने ये मंगवाया था। तो जी ये मेरी थी सारी आज की शॉपिंग जो मैंने आप लोगों को दिखा दी है। और उसके बाद मैंने फिर सामान वगैरह समेट के फिर नीचे चली गई, और फिर जी नीचे आके मैं ज़रा किचन में आई हूँ। हम लोग खाना खाने लगे थे, अली मैक्रोनी लेके आए थे, इफ्रा ने बनाई थी मैक्रोनी, तो उसने फिर अली कहा था अली को के ले जाएँ आके, फिर हम लोगों ने वही खाई। अली ने भी सालन रोटी आज नहीं खाई थी,
तो फिर जी बस मैं उनके लिए वही गर्म करके खाना लेने लगी थी। फिर हम लोगों ने खाना खाया और साथ साथ हम लोगों ने मूवी इंजॉय की। मूवी हम लोगों ने पहले लगाई थी पागल बनती, वो इतनी अच्छी नहीं लगी। फिर हम लोगों ने सेल्फी मूवी देखी जो कुछ हद तक अच्छी थी। ओके गाइज, ये है सुबह सुबह का टाइम। अब्बू जो है 8:30 के अंदर अंदर नाश्ता कर लेते हैं। यहाँ पे अब्बू के लिए नाश्ता बन रहा है, अंडे बॉईल हो रहे हैं, चाय और साथ में स्लाइस। अब्बू स्लाइस ही खाते हैं, अब्बू पराठे वगैरह रोटी इस तरह की चीज़ नहीं। दोपहर को एक रोटी, बहुत सिंपल सी डाइट लेते हैं। हल्की सी कैचअप ऊपर लगा कर देती होती है, फिर मैंने भी लगा रही थी ताकि थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है। और बस जी यहाँ पे हाफ स्लाइस कर रही हूँ। और फिर अब्बू को ये नाश्ता रेडी हो गया, फिर मैं अब्बू को दे के आई, उनको पहले मेडिसिन दे दी थी। और उसके बाद जी यहाँ पे बन रहे हैं आलू चीज़ पराठा, अली की फरमाइश पे बहुत मज़ेदार पराठा बना था। और यहाँ पे साथ में मेरी चाय बन रही है। ये देखें जी, फिर मैं नाश्ता ले आई थी अंदर। मैं आप लोगों को पराठा दिखाती हूँ, बहुत मज़े का बना था, इतनी ज़्यादा फिलिंग थी और इतना ज़्यादा चीज़ी, बहुत मज़ेदार। ओके जनाब, तो मैं बस ऊपर आई हूँ और अभी मैं नूर के कपड़े लेने के लिए आई हूँ। नूर जो है अली के साथ जा रही है बाहर, अली किसी काम से जाने के, तो मैं नूर को साथ ले जाऊँगा। और खाना जो है वो हमारी आंटी जो हेल्पर है वो बना रही हैं। और खाने में आज बन रहे हैं दाल और चावल। अली की फरमाइश पे अली कह रहे हैं दाल खानी है। मैंने कहा था कुछ अच्छा सा स्पेशल सा बना देती हूँ, तो कहते नहीं मैंने दाल चावल ही खाने, तो आज वो बन रहे हैं। तो बस जब मैं नूर के कपड़े नहीं आई हूँ, अपने भी कपड़े लेती हूँ, आंटी से प्रेस करवाती हूँ, फिर ऑयलिंग करनी है, शावर लेके फिर फ्रेश होंगे। ओके गाइस, पे मैंने नूर को तैयार श्यार कर दिया था, उसको नहला के तैयार किया। और उसके बाद वो अली ने किसी काम से जाना था, तो अली फिर उसको अपने साथ ही ले गए बाहर, उन्होंने गाड़ी के कोई काम वगैरह करवाने जाना था। और फिर वापस आए हैं, उनको खाना दिया है। और ये रही मैं। ओके गाइस, तो अभी मैं बस ऊपर आई हूँ, 5:45 का टाइम हो रहा था, ऊपर आई हूँ शावर लेने। और मैं थोड़ी सा सो गई थी, पापा आए थे नीचे, उनको खाना दिया, उसके बाद मेरी भी आँख लग गई। नूर भी सो रही थी, अली भी और अब्बू जी भी सो रहे थे। अभी मैं ऊपर आई हूँ तो अली और नूर अभी भी सो ही रहे हैं। मैं इनका शावर लेके चलती हूँ नीचे, अभी कपड़े निकालती हूँ और फिर ना शावर लेके फिर नीचे चलती हूँ। मैं एसी भी ऑन नहीं कर रही क्योंकि मेरा सारा सामान जो है नीचे पड़ा है, स्किन केयर का भी सारा। तो शावर लेके बस फटाफट से नीचे जाऊँगी, एसी मैंने अभी शावर लेना है, तो क्या करना है एसी चला के। तो बस जी फिर नीचे चलते हैं, और गर्मी बहुत ज़्यादा है रूम में, इसलिए बस फटाफट से नहाती हूँ और फिर नीचे चलती हूँ, कपड़े निकालती हूँ सबसे पहले। अच्छा जनाब, ये देखें जी, मैंने ये वाला सूट निकाला है, शुक्र है ये वाला प्रेस पड़ा हुआ था, ये निकाला, ये पहनती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। अच्छा जी, फिर रात के 8 बजे हैं और अब्बू की चाय का टाइम हो गया था। फिर मैंने यहाँ पे जो है अब्बू के लिए स्लाइस गरम कर रही हूँ। और ये देखें जी, मैं किचन की जो लाइट एक आधी ख़राब हुई हुई है, इसलिए बहुत अंधेरा सा फील हो रहा था। और उसके बाद फिर रात को हम लोगों ने खाना खाया, अली ने चावल और दाल ली और मैंने साथ में थोड़ी सी शामी खाई थी और बस एक दो चम्मच चावल, क्योंकि मैंने शाम को जो खाना लेट खाया था। ओके गाइस, तो ये था मेरा 2 दिन का व्लॉग जो आप लोगों ने देखा। मेरी सिंपल सी रूटीन थी, थोड़ी सी घर की जैसी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई है, वो नहीं है घर। और बस जी अभी खाना वगैरह खा लिया है और नूर अभी खा रही है लेज। आगे आओ, अली ने भी चेंज कर लिया, मैं भी अभी फ्रेश होकर चेंज वगैरह किया है, नूर को चेंज करवाती हूँ, इसको फीडर पिलाऊंगी और फिर कोई मूवी वगैरह देखते हैं और फिर सोएंगे। और आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, सिंपल सी मैंने अपनी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर की है। तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दुआओं में बहुत सारा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।